ओ हाँ, किसी ने डेनिस को देखा है क्या? कोई कॉल भी नहीं? डेनिस, मैंने उसे आखिरी बार पार्टी में देखा, आया और चला गया। ऐसा है मेरे भाई कि मैं भी रहना चाहता हूँ उसके करीब, लेकिन एयरली जनरल मीटिंग के लिए एक साइन तक तो ले नहीं पाते मोहतरम से। परी तुम कॉल करो, मैं करूँगी तो रिसीव नहीं करेगा, वो फिर से फनकार वाले मूड में जाके घर में बंद हो गया है। चलो ठीक है, करता हूँ। कॉल करो और मेरा सलाम कहना। हेलो फरीद, कैसे हो मेरे दोस्त? हम ठीक है डेनिस, भाई भी ठीक है, भाभी भी ठीक है, तुम कैसे हो? ठीक हो, बल्कि बिल्कुल ठीक हो। अच्छा शाम को आओ ना, साथ खाना खाते हैं, बात भी हो जाएगी हमारी। यहाँ शाम में मेरा एक प्रोग्राम है, एक नई लड़की से मुलाकात हुई है, उससे थोड़ी बातचीत करूंगा। हाँ इंशाल्लाह, असल में उसको उस बात की खबर नहीं है। हाँ कौन है ये लड़की? अभी मुझे खुद नहीं पता, दरअसल उससे मेल जोल बढ़ाना है, अभी लगता है प्यार होने वाला है मुझे। प्यार हो गया इसे? फिर से? आलिया का क्या बना? इसका ये मामला तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट जैसा है। है ना पार्टनर? सबको बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे लिए। हाँ यार बिल्कुल, जानता हूँ वहाँ घर बना रहे हैं आप लोग, इस बार कुछ अलग बात है, मतलब इस लड़की में वाकई कुछ अलग बात है यार, एक फनी सा पहलू भी है उसमें, संजीदा भी महसूस होता है, एक इश्क की शुरुआत होने जा रही है। यानी मैं फिर से जॉबलेस हो गई हूँ, लगता है नई जॉब ढूंढना पड़ेगी। बहुत आसान सा काम था, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, फिर क्या हो गया अचानक बैठे बिठाए? जापानीज के साथ डिनर करके आपको कोई अच्छी ऑफर तो नहीं मिल गई जो हमें नहीं बता रही है? ऐसा कुछ नहीं आसुमान, अपनी बकवास बंद करो। पैसे अच्छे थे लेकिन वहाँ कोई इज्जत नहीं थी एम्प्लॉइज की, बॉस अच्छा नहीं था, अजीब अजीब मसले थे उसके, समझ गई? सुनो ये उठाकर पास करो जरा, कहीं जाकर आपने ये बातें तो नहीं कर दी कि मैं ये नहीं बना सकती, मैं वो नहीं बना सकती और छोड़ दिया काम? हाय इतनी अच्छी जॉब थी, इतना अच्छा लड़का था वो, आपको जो वो कह रहा था वो मान लेती क्या चला जाता आपका? क्या कहा? अल्लाह अल्लाह आसुमान, मैं हर खूबसूरत लड़की की हर बकवास सुनूं ऐसी लड़की लगती हूं? मुझे क्या आग लगे उसकी खूबसूरती को, मुझ जैसी लड़की किसी भी खूबसूरत लड़की की बात मानने को कायल नहीं है, मेरी भी कोई इज्जत है, कोई रिस्पेक्ट है, समझी? एक मिनट रुको, तुम मुझसे यहाँ क्या सवाल करने बैठी हो? अरे आपको जो करना है वो करे, मुझे इससे क्या, सबने पागल बना दिया है मुझे। छोड़ो ना नाजली, आसुमान के कहने का वो मतलब नहीं था। कौन है? डेनिस। लड़की तुम्हारी भी क्या किस्मत खुली है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, वाह जबरदस्त, उठाओ चलो, उठाओ ना। हाँ डेनिस। नाजली अस्सलाम वालेकुम। फोन इधर करो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं दरअसल वो पनाहगाह के जानवरों के हवाले से आपसे मुलाकात करके कुछ बात करना चाह रहा था, घर पर कंबल रजाई वगैरह भी हैं, आप कहें तो जमा कर दूं, आज हम मिल सकते हैं? ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूब, तो फिर डन, मिलते हैं। बदतमीज, बद तहजीब, जाहिल इंसान हो, बहुत बुरे हो तुम, बहुत ही बुरे, बहुत बुरे दिल के मालिक हो तुम, में किसी के लिए कोई इंसानियत नहीं है। मिसेस इकबाल, क्या आप मुझे नाजमिया का नंबर दे सकती हैं? जी हाँ फरीद साहब, मैं आपको नंबर सेंड कर देती हूँ। शुक्रिया। फतोश में निकल रही हूँ। ठीक है मेरी जान। हाँ किसी का मैसेज आया है, रुको देखती हूँ। नाजमिया साहिबा, कल के लिए माफी चाहता हूँ, कल मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। फरीद साहब। क्या हुआ यार? अब ये क्या है? ऐसा लग रहा है कोई एहसान कर रहा है मुझ। वैसे हद ही हो गई है यार, माफी मांगते हुए भी इतनी अकड़। जाने दो यार, मुझे मुंह नहीं लगना।
क्या जवाब दिया? मौका जाए। ये क्या है? ये यकीनन जापानीज है। कितने अच्छे थे ना। मेरा तो दिल ही नहीं करता यहाँ से जाने का। मुझे इनसे बहुत प्यार है। मेरा दिल करता है कि मैं तो परमानेंटली इनके पास ही शिफ्ट हो जाऊँ। आपका तो इन कुत्तों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। नहीं यार, मुझे बस उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये जानवर अपनी आँखों से सब कुछ बता देते हैं, समझ में आ जाता है। वैसे मेरे ख्याल से ये बड़े ज़र्फ़ की बात है। मैं भी कम नहीं हूँ वैसे। नहीं यार, मेरे ख्याल से तुमने अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। सिक्योरिटी हाथ में झाड़ू पकड़े मेरे मुँह पे दरवाजा बंद करके चला गया। मुझे तो लगा मैं लॉक हो गई हूँ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जैसे लड़के से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। क्या मतलब तुम्हारी तरह? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी पे इस तरह के काम सूट नहीं करते। दरअसल तुम सही तरह नहीं जानती मुझे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा और वक्त है तो कहीं बैठ कर बात करें हम? ठीक है। बस जब से मिले हमारी टेलीफोन पर ही बात होती है, मतलब कहीं बैठकर बात नहीं हो सकी अब तक। हाँ कुछ बताओ, जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। वेट्रेस का काम तो कभी कभी करती हूँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। तुम? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिशियन हूँ। एक कंपोजर हूँ। कहाँ पढ़ती हो, मतलब क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? यार आज मेरे साथ काम पे एक बहुत बुरा वाकया हुआ है, इसलिए आज अगर तुम मुझ पे मेहरबानी कर सको और इतने सारे सवाल मुझसे मत पूछो। चलो हम कुछ आर्ट की बातें करते हैं। हाँ तो आर्ट तो मेरा काम है ना, बताया है मैंने तुम्हें, अब कहीं मत जाना। ठीक है तो बताओ मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? जानवरों का डॉक्टर? नहीं मुझे नहीं पसंद। एक उस्ताद, उस्ताद बन सकती हो, वैसे बातें बहुत अच्छी करती हो। नहीं डॉक्टर। नहीं यार, खून देके बेहोश हो जाती हूँ। और डेनिस, खुशबू मुझे बुला रही है, चलो भागो।
किस चीज की खुशबू? पूरा। क्या? आधा। अल्लाह आपका भला करे। जी खुश आमदीद। खुश रहिए जनाब, हम दोनों के लिए कुछ जबरदस्त सा बना दिए। बस हो गया जनाब। मैं जरा इन मिर्चों का जायका तो चखूं। बहुत खूब। भाई मेरे वाले में भी मिर्ची डालिएगा। जी ठीक है। पुदीना भी डालिएगा। पुदीने को छोटा छोटा कट करके इसमें डाल दीजिएगा और फिर मिर्ची डालिएगा इसके ऊपर। बिल्कुल अभी कर देता हूँ। वाह, हम इस चीज के माहिर हैं शायद। भाई मेरे लिए भी ऐसा ही बनाइए। जी अभी बना देता हूँ। पसंद आया? तुम्हें क्या लगता है जनाब? खुश रहिए। बहुत शुक्रिया भाई। सालसा म्यूजिक चल रहा है, बच्चा है शायद। तुम्हें आता है क्या? मैं अभी जनूबी अमेरिका से वापस आया हूँ। वहां कुछ चीजें सीखी थी मैंने, ये भी उन्हीं में से एक है। डांस करेंगे मेरे साथ आप? पसंद तो है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं, और लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं कर सकती। चलो आओ। कहाँ जा रहे हो? डांस करेंगे ना। तुम मजाक कर रहे हो डेनिस? अरे चलो चलो आ जाओ। डेनिस पागल हो गए हो क्या? यहाँ हमारा मजाक बन जाएगा सबके सामने। अरे यार कुछ नहीं तो चलो। यार मुझे नहीं करना। अरे कुछ भी नहीं होगा, मैंने भी अभी नया नया सीखा है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहो बस, और कुछ नहीं। डेनिस बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नाइस भी है। डांस भी करता है और हमने साथ कोकोरेज भी खाए। जानवरों से भी बहुत प्यार करता है और जानवर भी प्यार करते हैं। इसका मतलब अच्छा इंसान है। अगर अच्छा है तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया नाजली? मेरा दिल नहीं किया फतोश, क्या बताती उसको। वैसे भी आज के वाक्य के बाद मेरा दिल नहीं किया बात करने का। वैसे डेनिस बहुत अच्छा है, शोखा नहीं है। एटलीस्ट एक तो अमीर भी है, दूसरा हमारे जैसा है। यार ये बहुत अच्छी बात है कि दिखावा नहीं है उसमें। देखो इसे, एक वो अमीर एक ही अमीर, लेकिन कितना अच्छा है। अगर फरीद को कहो कि गली से जाके कोकोरेज खाते हैं तो पहले तो वो मानेगा नहीं, अगर मान भी गया तो पहले लैब टेस्ट करवाएगा। अरे जाने दो ना उसको, हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यार तुम लानत भेजो उस कमीने पे। और लोग समझते होंगे उसे शरीफ आदमी है, मेरे लिए तो उससे ज्यादा कोई घटिया इंसान हो ही नहीं सकता। बदखलाक, बदतमीज। आखिरी साइन आपको यहाँ करने हैं। वैसे भी फरीद साहब अभी कुक का इंतजाम नहीं हुआ है, मतलब इतनी एप्लीकेशंस आई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है कुछ दिन और गुजारा करते हैं, लेकिन आप बंदोबस्त जल्दी करें। ठीक है। अगर बाहर खाना खाना हो तो शाम को हमारे साथ चलो, मैंने रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा ली है, हम फैमिली डिनर करेंगे। तुम्हें वहाँ के खाने पसंद भी हैं? हाँ, ब्लूट से भी मिल लूंगा। ठीक है। नाजली को भी बुलाऊंगी। बुलूत ने नाजली बाजी की रट लगा रखी है और मैं भी मिलना चाहती हूँ उससे। उसका शुक्रिया भी अदा करना है मुझे। हाँ कैसा शुक्रिया, खिदमत का मुआवजा दिया गया है उसे। मेरे काम का कुछ पता नहीं, हो सकता कि मैं ना आ सकूं।
फरीद साहब, मेरे साफ सुथरे दिल का खूबसूरत दोस्त, जरा बताओ मुझे ये चल क्या रहा है? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? नाजली नामी लड़की से मुतालिक जो भी कुछ है सब बताओ मुझे। एंगिन देखो, बहुत काम है मुझे, प्लीज इस तरह की फजूल बातें ना करो। फरीद, 10 साल की दोस्ती है ना हमारी, तुम मेरे बारे में हर एक बात जानते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें जानता हूं। अब बताओ मुझे क्या है नाजली का चक्कर, सच सच बताना मुझे, सुन रहा हूं मैं। अबे चले नाजली को कॉल करें। मैंने कॉल की है, वो रिसीव नहीं कर रही। वो मेरी कॉल देखेगी तो कॉल पिक कर लेगी, या फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लेंगे। इंतजार नहीं, एक बार फिर कॉल करें। देखा, आ गई कॉल। हेलो, सलाम, कौन बात कर रहा है? नाजली हूँ मैं। हेलो नाजली, मैं जैनब बोल रही हूँ, बुलुत की मॉम और फरीद की बहन। हेलो जैनब साहिबा। हेलो, माजरत चाहती हूँ अचानक कॉल करने के लिए, मैंने तुम्हारा नंबर अकाउंटेंट से लिया था, क्या बात हो सकती है? जी फ्री हूँ, बोलिए। नाजली, बुलुत बहुत याद कर रहा है तुम्हें, और कल रात भी फरीद की तुमने बहुत मदद की मिस्टर नाकातानी का इस्तकबाल करने में। मैं तुमसे मिलना चाह रही थी और तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाह रही थी, इसीलिए आज रात तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती हूँ मैं। जैनब साहिबा, मेरा भी बहुत दिल है बुलुत से मिलने का, उस दिन जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था, इसलिए आपको खाने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब तुम आ रही हो आज शाम? आज शाम मेरा कोई और प्लान है। नाजी, प्लीज प्लीज प्लीज। बुलुत, तुम कैसे हो? आज शाम आएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं आई तो बहुत बुरा हो जाऊंगा, बीमार भी हो सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं जरूर आऊंगी। ओ ये बहुत खूब, तो फिर आज शाम 8:30 बजे ठीक रहेगा ना? मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वेन्यू बताती हूँ। ठीक है जैनब साहिबा, फिर मिलते हैं। वाह भाई, आप लोगों ने हफ्ता दस दिन में क्या देख लिया, जैसे कोई सदियों से ताल्लुक हो। से बस खाना ही तो बनाती थी और क्या। वैसे देखा जाए तो बुलुत के साथ भी काफी अच्छा वक्त गुजारा था तुमने। बच्चों को कैसे ट्रीट करना है वो जानती है। बेटा घर में ना बहुत सारे कुक आते जाते रहते हैं, इतना पसंद तो कोई नहीं आया, लेकिन इस नाजली पे तो तुम फिदा ही हो गए यार। फिदा नहीं हुआ, ठीक है ये कहा था। फरीद, मैं जानता हूं कि ये बात तुम्हारे दिमाग में मैंने ही डाली थी, लेकिन अगर लड़की को अमीर शौहरी चाहिए तो वो कुक क्यों बनेगी? मुझे नहीं पता, शायद ज्यादा बोल दिया हो उसे, या ये भी हो सकता है कि वो ड्रामेबाजी कर रही हो, नहीं समझ पा रहा कि सच क्या है। हाय फतूश यार, मैंने कॉल पे कह तो दिया कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। फरीद की वजह से नहीं जाना चाह रही ना? अगर वो वहाँ आया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा ना, तुम्हें क्या है उससे, तुम वहाँ उसके लिए जा रही हो क्या? छोड़ दो, उससे बात मत करना। मैं क्यों बात करने लगी, मुझे कोई शौक थोड़ी है, मैं सिर्फ बुलुत के लिए जा रही हूँ वहाँ, उसकी अम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की है। जाने दो उसे। खुश आमदीद नाजली, आने के लिए शुक्रिया। मैं दमीर हूँ, बुलुत का वालिद। मिलके खुशी हुई, हमने इसे ना करने का मौका ही नहीं दिया। मैं हूँ जैनब, बुलुत की मॉम। आपसे मिलके अच्छा लगा। कैसे हो बुलुत? इधर आए, मेरे पास बैठे और मैं यहाँ बैठूंगा। सुबह नाजली, शाम नाजली, लो आ गई तुम्हारी नाजली बाजी। एक मिनट, वो मेरी बाजी नहीं है, दोस्त है वो मेरी। माफ करना। ताली। बोलो जैनब। फरीद कहाँ हो तुम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैनब, मैं घर से निकल रहा हूँ लेकिन उस तरफ नहीं आ रहा, यहीं पास में कुछ देख के खा लूंगा। समझ गई, इसका मतलब है कि तुम यहाँ 10 मिनट में पहुँच रहे हो। बुलुत को बहुत अच्छा लगेगा, बुलुत तुम्हारे मामू आ रहे हैं। हाय, खुशी से उछल रहा है, बहुत खुश हो गया सुन के। ठीक है, फिर मैं बातों में नहीं लगाती तुम्हें, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।
वैसे उस लम्हे नागतानी का चेहरा देखने वाला था। ओफ, उससे बुरा चेहरा तो मीरा देखने वाला था। जैसे ही मैंने जूस उनके ड्रेस पे गिराया तो मुझे ऐसा लगा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। फरीद ने तो ऐसे नहीं बताया, लेकिन ये बहुत मजे का वाकया है। काश कि मैं भी वहाँ होती। अच्छा, यकीन करें आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब अभी सुनने में फनी लग रहा है, लेकिन कल बहुत बुरा सीन था। मुझे वहाँ होना चाहिए था बस। क्यों इतना फनी नहीं है? मेरे लिए तो है मजे का। मामू नहीं हंसे क्या? बुलूत, मुझे नहीं लगता तुम्हारे मामू उस वक्त हंस रहे थे। मतलब वो उस वक्त दूर थे, लेकिन जैसे ही करीब आए तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसके बाद हो सकता है कि वो हंसे हो बेटा, और तुम्हारे मामू नाजली को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि वहाँ इतने लोग नहीं थे ना। आज तक जुर्म का कभी इर्तकाब नहीं किया। खुश आमदीद। कानून तोड़ना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन नाजली यकीनन इन मामलों में बहुत ढीली है। मैंने अपनी सारी जिंदगी मजबूर लोगों को गलत ऑफर्स नहीं की, खास तौर पे जब वो नशे में हो। लेकिन जहाँ बस चल जाए वहाँ कुछ भी कर सकती हो, ये कह रही हो तुम? नहीं, वो तो आपका, मेरा मतलब है आपके जैसे बिजनेस टाइकून उसका काम है ना। बुलत, क्या मतलब है तुम्हारा? सर्द खून वाले ताजर, ऐसा लग रहा है जैसे कातिल कह रही हो तुम मुझे। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते, बारीकी से जायजा लेते हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इतना इश्तियाल है कि एक दूसरे को जान से मार देने की सलाहियत रखते हैं हम। मामू, मेरे कान क्यों बंद कर रहे हैं? या फिर ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं बुलूत, ज़ॉम्बीज़ कुछ नहीं होते। ज़ॉम्बी सिर्फ एक कार्टून करेक्टर है। और वैसे ज़ॉम्बी जैसा कुछ नहीं होता। हाँ सुनो फरीद, नाजली तुम्हें जानती नहीं तो शायद उसे समझ नहीं आई कि तुम मजाक कर रहे थे। हर मजाक के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है ज़ैनब साहिबा, इसलिए अच्छा है फरीद साहब और मैं जरा फासले पे ही रहे तो सबकी बेहतरी है। बुलूत और मैं जानते हैं कि मेरे भाई का दिल बहुत ही नरम सा है, है ना मेरी जान? अच्छा तो पर मामू का दिल है, बोरक क्या है? ओहो, यार बहुत खुशी हुई तुम लोगों के आने से। यार अच्छा सरप्राइज दिया तुम लोगों ने बहुत। ये मेरा आइडिया नहीं है, पता चला तुम्हारी तरफ आ रही हूँ तो शुक्रिया अदा करने आ गई। भी कहने लगे खाना खा के जाएं। यार बहुत अच्छा किया, ये काफी है सबके लिए। चलो आओ अंदर चलते हैं। चलो काम मिल गया क्या? हाँ मिल गया। बहुत खूब, क्या मैं मदद करूँ तुम्हारी? मैकरोनी बना रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। सैलेड ठीक है, बात सुनो छुरी से जरा एहतियात करना। नाजली आप क्यों चली गई? या फिर घर गंदा हो गया था इसलिए मामू गुस्सा हो गए? नहीं बुलूत, ऐसा कुछ नहीं है। बुलूत ठीक कह रहा है, तुम क्यों चली गई? मुझे भी बताओ, खुद चली गई या फरीद ने तुम्हें जाने को कहा? प्लीज बताओ ना। हमें आदत हो गई अब फरीद की कुक से मुतालिक मसले सुनने की, हैरान नहीं होंगे। मैं खुद निकली। फरीद साहब को मेरी कुछ आदतों से तकलीफ हो रही थी और मुझे भी उनकी, और जॉब की वजह से मेरी स्टडीज पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए छोड़ दिया। अच्छा हुआ। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, ठीक है ना? चाचू की तरफ चले क्या? बोलू बहुत देर हो चुकी है, हम थोड़ी देर में घर निकलेंगे। बाबा प्लीज आप ले चले मुझे, मुझे जाना है। बेटा प्लीज बाबा, चाचू बहुत अच्छा म्यूजिक बजाएंगे। हाँ ये कहो ना चाचू के घर जाके तुम्हें खेलना है। क्यों ना कॉफी पीने चलते हैं हम अंदर, बेटे का दिल नहीं तोड़ते। मुझे मैं चलती हूँ, सुस्ती नहीं चलेगी, सब साथ जा रहे हैं। मैं कर रहा हूँ सुस्ती, चलो। मामू जान आप भी हमारे साथ जा रहे हैं ना?
इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लेता खुद ही। हाथ सलामत रहे, तुम्हारी बहुत अच्छा बना है, कोई भी इतनी अच्छी मैक्रोनी नहीं बना सकता। अरे नहीं यार, ये सॉस वाली मैक्रोनी तो है। डेनिस, खत्म खत्म, तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी अब, तुम्हें भी अपना दिल दुखाने की इजाजत नहीं दूंगी। हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, ये सबसे ज्यादा अहम है। दोस्ती के नाम। Cheers. ओह, चलो भाई, अब म्यूजिक का टाइम हुआ। मामा, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, मतलब नाज़ली के साथ। अच्छा ठीक है, चले बैठ जाए। नाज़ली, गाड़ी में बैठो। हाँ, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। लेकिन नाज़ली, आप आगे बैठेंगी, ठीक है? ठीक है बुलू, ठीक है, तुम बैठो। नाज़ली, पता है मेरे चाचू का घर बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा है, बल्कि उनका घर बहुत मजे का भी है। एक बात और बताऊं, उनके पास एक बहुत बड़ा सा ड्रम भी है। वो ड्रम बहुत बड़ा है, लेकिन अब मैं उस ड्रम से भी लंबा हो गया हूँ। चाचू मेरे लिए बहुत अच्छे गाने बजाते हैं। मुझे पता है तुम चाचू से प्यार करते हो। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ, मामू से भी प्यार करता हूँ, दोनों से प्यार करता हूँ, है ना मामू? चलो छोटे डेव, नाराज ना हो, इसलिए तुम मक्खन लगा रहे हो। उफ, बड़े तो छोटे से नाराज ही नहीं होते। चाचू देखे, ये है नाज़ली। अरे ये क्या, ये तो बड़ा सरप्राइज है। तुम चाचू हो इसके, सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे मिला है अभी। आप नाज़ली को जानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, ये मेरी डांस फ्रेंड है। लेकिन क्या आपको पता है नाज़ली बहुत अच्छे कुकीज बनाती है? हाँ बिल्कुल, ये सच है, ये वाकई बहुत अच्छे कुकीज बनाती है। तुम्हारे चाचू सालसा डांस बहुत अच्छा करते हैं और सफाई भी बहुत अच्छी करते हैं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? आप लोग अंदर आ जाइए, बात करते हैं। वाकई दुनिया बहुत छोटी है। जी, ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। मैं फरीद की, शुक्रिया, मैं फरीद साहब की पर्सनल शेफ थी और साइड जॉब के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की है। ओह, तो तुम कुक हो? बिल्कुल सही कहा तुमने, बैचलर्स कर लिया है, अब मास्टर्स कर रही हूँ। ओके, ये कल रात इनका प्रोफेशन जानने में ही इतना टाइम लग गया था, इस बात का अंदाजा नहीं था। आप अभी अभी मिली है ना, इसलिए। हाँ, आपकी तकरीब में मिले थे हम। आप फरीद के पास काम करती हैं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक मिनट, इसका मतलब तुमने अभी तक नाज़ली के हाथों के बने लजीज खाने नहीं चखे? कोई भी नाज़ली से अच्छा खाना नहीं बना सकता, अम्मी भी नहीं। अरे बेटा, बुलूत, घर जाके बताती हूँ मैं तुम्हें। मुझे तो लगा था कि आप कुत्तों से बात करती हैं बस, आप में तो डांस की भी सलाहियत है ना? तो फरीद भाई के लिए खाना बनाती हैं आप? फरीद को तो जैसे जानती नहीं हो तुम। नाज़ली मेरे ख्याल से 10-15 दिन बर्दाश्त कर पाई। नाज़ली ने नौकरी छोड़ दी है, हमने उससे मिलने और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज रात दावत दी थी। बहुत अच्छा खाना बनाती हो, डांस भी करना जानती हो, जानवरों का भी ख्याल रखती हो, कोई ऐसी खूबी है जो मुझे नहीं मालूम? हाँ जरूर होगी, ये भी अभी पता चली है मुझे। ये वही सब खूबियां हैं जो सब में होती हैं। हर कोई इंसान मुनफरिद होता है। वैसे भी स्टेज पे गाना गाना आसान बात थोड़ी है, मेरी आवाज से तो मेरे घर वाले भी डर जाते हैं और खानदान में से मेरी बहन भी।
ज्यादा तारीफ कर रही हो। पता नहीं मैं सही से गाती भी हूँ या नहीं। दोस्तों हम रेस्टोरेंट की शुरुआत आलिया के गाने से करेंगे। अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। पहला प्रोग्राम कल है, हौसला अफजाई के लिए जाएंगे। नाज़ली तुम भी आओ ना। मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आओगी? तुम्हारे आने से मेरी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों को भी ले आना, बल्कि छोटी बहन को भी ले आना। ठीक है, फिर जरूर आएंगे, बल्कि खुशी खुशी आएंगे। फरीद तुम भी आ रहे हो ना, है ना? हाँ, मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, मैं किसी और दिन वक्त निकालूंगा। ये क्या बात हुई यार, बहुत मजा आएगा। सोचो तो मैगजीन की खबरें, मशहूर बिजनेसमैन फरीद असलान आलिया के सुनने वालों के दरमियान। दरअसल कल हम बोली लगा रहे हैं और अगर हम जीत गए तो जरूर पार्टी करने आएंगे तुम्हारी तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा ग्रुप कल हमारे दरमियान होगा। हाँ अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आप लोग आलिया की खुशियाँ मनाएंगे और हम अपनी वालदा के साथ आई विलेज में खुशियाँ मनाना जारी रखेंगे। ए, इतना काम करने के बाद छुट्टी तो लाजमी बनती है। मतलब तुम श्योर हो कि हमें ये टेंडर मिल जाएगा? कल हकान की शक्ल देखने के लिए बेसब्रा हो रहा हूँ मैं, है ना पार्टनर? मेरी जान, अभी तक कल वाले टेंडर पे ही काम कर रहे हो क्या? हिसाब लगा रहा हूं मेरी जान। देख रहा हूं कि और कितनी पेशकश की जा सकती है। तुम्हारे स्टाफ ने हिसाब लगा लिया है, अब खत्म भी करो इसे। कल वहां जो भी होता है जाने उसे जाने दो। जाने नहीं दे सकता डैमिट, कल एक एक मिलीमीटर का इजाफा होगा। अपनी हदूद जानना बहुत जरूरी है कि कहां तक पेशकश बढ़ा सकता हूं। वैसे भी ऐसे टेंडर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे टेंडर्स पसंद है? ऐसे टेंडर्स मेरी जान जिन पे सख्ती से नजर रखनी पड़े, हेरा फेरी की इजाजत ना हो, मुमकिना तौर पर मुनसिफाना नीलामिया। क्योंकि जब ऐसा होता है तो फरीद साहब के साथ बराबरी का मुकाबला होता है। वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, उसके बाप दादा शुरू से ही अमीर है। देखो मेरी जान, उनके लिए 3 मिलियन 5 मिलियन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। हकान, अब तुम ही बताओ मेरी जान कि मैंने कुछ गलत कहा? देखो मैं बहुत मेहनत से कमा कमा कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत से, समझ रही हो मेरी बात? मेरे पीछे ऐसे अमीर बाप दादा नहीं थे, मैंने अपनी जहानत को इस्तेमाल किया है और मैं इसी जहानत को इस्तेमाल करके फरीद और डैमर से मुकाबला कर सकता हूँ, और जिसे वो धोखा कहते हैं उसे मैं इंसाफ कहता हूँ। मेरी जान देखो, भूलो मत, बाबा की विरासत से जो मिला उसे सरमायाकारी कर ठीक है, फिर तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, जहानत का इस्तेमाल किया, कंपनी बनाई, आगे बढ़े, ये हम दोनों ने किया और ये काफी है हमारे लिए। चलो ना आप सोने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मैं आता हूं, पास आओ, वादा करता हूं, जाओ तुम। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है। काफी नहीं है डैमिट, काफी नहीं है। तब तक काफी नहीं होगा जब तक फरीद को मक्खी की तरह मसल ना दूं। मैं तुम्हें मक्खी की तरह मसल दूंगा फरीद। शरारती, मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। अरे अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा इन्हें। नाज़ली तुम अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। हाँ वो मेरी मौसिकारों से बात हुई है, वो कभी कभार आ जाते हैं, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, कोई इशू नहीं, तुम्हें जब भी टाइम मिले।
डेनिस, उस दिन के बाद मेरे डांस का भूत उतर गया है। मेरे ख्याल से तुम में सलाहियत है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता वाकई में? चलो मैं चलता हूं। इतनी जल्दी क्या है यार? गुड नाइट। अरे इसे क्या हो गया अचानक? हाँ तो अब लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। जी बहुत देर हो गई है, चलो हम भी चलते हैं फिर। चलो। सुमान आ जाओ, नाश्ता तैयार है। यार नाजली क्या कहती हो, एनगिन को कॉल करूं क्या? उफ, ये एनगिन कौन आ गया? फरीद का दोस्त, वही जिसने काट दिया था, बाद में गुम हो गया था, फिर से मिल गया है। उफ नाजली, तुम क्या मेरी बात नहीं सुन रही? क्योंकि तुम समझा ही ऐसे रही हो मेरी जान, जैसे कि मुझे फैशन डिजाइनर समझने वाला एनगिन, मुस्तकबिल की मशहूर फैशन डिजाइनर, वैसे फैशन हाउस की मालिक हूँ मैं। हो सकता है एनगिन तक जल्दी ये खबर पहुँच जाए। फतोश, मुझे लगता है तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो जलील हो जाओगी उनके सामने। नहीं नहीं फतोश, अब तुम कॉल करोगी एंगिन को और उससे कहोगी कि एंगिन हम लोग घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, कंगाल हो गए हैं हम। हेलो एंगिन, सलाम, मैं फतोश। हाँ हाँ, झूठी फतोश, मेरा फैशन हाउस नहीं है, बल्कि मैं वो आपकी कुक है ना नाजली, उसके साथ रहती हूँ। मैं तो बस यही कि गरीब फकीर हूँ, कोई पैसे नहीं है मेरे पास, सच कह रही हूँ, कोई पैसे नहीं है। हाँ, फोन बंद कर दिया एंगिन ने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हैरान रह गया वो। अच्छा काम किया है, तो फिर इस नंबर पर हम मुत्तफिक है ना? हाँ बिल्कुल, चलो फिर चल के ये टेंडर लेते हैं। चलो चलते हैं। मगर फरीद, दमीर को रोको, हकान को शिकस्त देने के लिए ना खड़ा हो जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम, जो सुनेगा यही समझेगा कि मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जैनब बिल्कुल सही कह रही है, अगर वो ज्यादा दे सकता है तो जाके जमीन ले ले। अच्छा ठीक है ना, वैसे भी हम सब लोग साथ हैं, जब हकान के हारने पे जो चेहरे के तासुरात होंगे वो देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। यार आसुमान कब आओगी, नाश्ता ठंडा हो गया है तुम्हारा, आज भी लेट होगी। काम है क्या? हाँ, शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वो मुलाजिम ढूंढ रहे हैं, क्या पता ये जॉब मुझे मिल जाए, लक ट्राई करके देखती हूँ। और तुम? शादी के जोड़े बनाने के अलावा काम ही नहीं, और उनको भी इतनी जल्दी होती है, मैं तो बस ऐसी जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ मैं खुद को बेहतर बना सकूँ। पैसे कमाने पे फोकस करो फतोश, बेहतर बनाएगी। हेलो एंगिन। हाँ फतोश, झूठी फतोश। कॉल की थी ना? सलाम, काम है क्या? ओह काम नहीं है, तो शोहर मिलेगा क्या? हाँ हाँ शोहर, शादी करेंगे आप मुझसे? हाँ। मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज, कुछ तो करेंगे आप इस घर में। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम, नाजी बीबी हैं क्या? ये पैकेट उनके लिए। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, वो अंदर है, मैं रिसीव कर लेती हूँ। फरीद साहब ने भेजा है ये, फरीद असलान, माफ कीजिएगा जी। एंगन साहब करीब ही है मेरे ख्याल से, आप अपनी बाजी को दे दीजिएगा। ठीक है मैं दे दूंगा। कौन था वो? बाजी के लिए आया है? प्यारी बाजी, ये आपके साबिक बॉस असलान साहब की तरफ से एक पैकेट आया है आपके लिए। मेरे लिए? हाय, मेरे कपड़े वापस आ गए, हलाल पैसों से बनाए थे ना। वो जो जापान वाली दावत थी ना, वहाँ पहनने के लिए दिए थे मैंने इसे। आपने जो दावत में कपड़े पहने थे वो बॉस के घर उतारे हैं क्या? प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है आपा, बताइए ना। आसुमान मेरी जान, ये तुम्हें फतोश बताएगी। फतोश, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बहन को आज सब कुछ सच सच बता दो। हाँ
आसुमन मेरी जान, तुम्हारी आपा सिर्फ फरीद साहब के घर जापनीज मेहमानों के लिए तुर्क कॉफी बनाने गई थी, ठीक है ना नाजली? जापनीज जान, अरे मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये जानना है कि वहाँ क्या हुआ था। जरा अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी कम करो आसुमान, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा तो बताएं कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि उस घर में काम करने गई थी मैं, इसलिए उतार दिया। इस जोड़े में काम करती क्या? ओह आसुमान तुम भी ना, वहाँ एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारे ड्रेस है, उसमें से एक ले लिया था। उसके बाद उन्होंने घर के तमाम मुलाजमीन को वैन में घर छोड़ दिया और ये कपड़े वहीं रह गए जो कि अब आए हैं। बहुत ही बोरे, हैरत होती मुझे अगर कोई और कहानी निकल आती तो। एक तो इतना बड़ा बॉक्स आया है, मैं समझी कुछ स्पेशल होगा इसमें। तुम तो हो ही लालची लड़की। अरे यार नाजली मुझे भी लगा सच में कुछ भेजा है उसने, देखो तो जरा। क्या कहते हो, सब ठीक है? तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है हक्कान साहब, इतने महीने से पूरी टीम जो काम कर रही है, तमाम लागत का हिसाब। यार जाने दो, मुझे बातों से खुश मत करो, ये सब नंबर मुझे हिफ्ज हो गए हैं। क्या तुम जानते हो पोस्टला होल्डिंग के दस्तावेज के बारे में? क्या नंबर्स पेश करेंगे जानते हो क्या? नहीं। थोड़ी देर बाद फरीद असलन अगर मेरे सामने कोई सरप्राइज ले आया तो मैं क्या करूंगा? मेरे दोस्त 2 महीने से इस पे काम कर रहे हैं और हमसे सिर्फ इतना ही हो सका? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। मेरी जान आराम से। खैर वैसे भी अब कुछ होने से रहा, चलें फिर चल के ले आते हैं वो टेंडर, उठाइए दस्तावेज और आ जाए मेरे पीछे। चलें आइए मेरे साथ। बैग आलू काट लो नाजली, एक बैग प्याज भी काट लो नाजली, आलू कोफ्ते भी बना लो नाजली, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ 60 लीरा देंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे मुझे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, ये घर तो फ्री में मिला है हमें। गुसैली चिड़िया कैसी लग रही हूँ मैं? हाय अल्लाह फतोश, एंगिन की शादी में जा रही हो क्या? अरे यार नाजली अब ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने तो बताया था कि शाम की दावत मिली है, म्यूजिक सुनने जाएंगे। एक क्लब में जाना है फतोश, किसी की शादी नहीं है वहाँ। तुम क्या बड़ी औरतों की तरह तैयारियाँ कर रही हो? हाँ और अब तुम भी नहीं सुन रही हो, जाओ जाकर फौरन कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। हाँ क्या नाम था उसका वो असना? आलिया, आलिया फतोश, नाम तक तो तुम जानती नहीं हो और जाने की तैयारियों में लगी हो। यार नाजली कह दिया ना कि हम लोग जाएंगे और तुम अभी तक खाना बना रही हो, ऐसा करते हैं क्या नाजली? मैं गुस्से में हूँ फतोश, खुदा के लिए मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, मुझे काम करने दो क्योंकि इस घर में और किसी को खाना बनाने का ख्याल नहीं आएगा। मेरी जान तुम बहुत खूबसूरत कपड़े पहनना और अच्छा सा तैयार होना, मेकअप भी करना, ठीक है? मुकाबला हो सकता है नाजली, आजमा कर देखो। फतोश आलिया ने फरीद को भी कल दावत दी थी, वो भी आएगा वहाँ पे और मुझे वहाँ जाने का और उसकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। आता है तो आए, हमें इससे क्या, तुम उसकी तरफ देखना भी नहीं। तुम डेनिस वगैरह के साथ रहना, उसके आने की वजह से अपने आप को क्यों घर में बंद रखना? मैं खुद को बंद नहीं कर रही हूँ क्या? हाँ कर रही हो ऐसा। मैं किसी की वजह से क्यों कैद होने लगी? मैं अभी डेनिस को बताती हूँ कि हम आ रहे हैं। ये तो तुम्हारी गलती है कि तुमने अभी तक उसे पैगाम नहीं भेजा। क्या प्याज काटी है क्या तुमने? जब ही तो आंखें जल रही हैं मेरी, ऐसे तो मेकअप खराब हो जाएगा। फतोश तुम मुंह धो लो, तुम वैसे ही बहुत प्यारी। शुक्रिया मेरी जान। वो चेयर कंपनीज जिन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, वो टेंडर की नीलामी में हिस्सा लेने के हकदार ठहरे हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबको खुशामदीद। यकीनन सब तैयार हैं तो शुरू करते हैं। जमीन की कीमत फरोख्त 300 मिलियन है। पहले पुसूला होल्डिंग की तरफ जाऊंगा, आपकी पेशकश क्या है? 320 मिलियन। द्याश होल्डिंग 330 मिलियन। तो कीजिल सुलर होल्डिंग 340 मिलियन। बाटिकस्ट होल्डिंग 345 मिलियन। Thank you.
500 मिलियन बहुत है हमारे लिए, इससे ज्यादा नहीं। 530 मिलियन पुसला होल्डिंग, 540 मिलियन, 545 मिलियन पुसला होल्डिंग, 550 मिलियन, इससे ऊपर नहीं जा सकते, नुकसान होगा। पांच सौ पचपन मिलियन पुसूला, 560 मिलियन पांच सौ पैंसठ मिलियन अकान साहब बस करें, हम लिमिट से ऊपर बोली लगा चुके हैं, अदायगी में मुश्किल हो जाएगी और हम तबाह भी हो सकते हैं। 570 मिलियन 575 मिलियन छह सौ मिलियन मेरी जान, तुम्हें रुक जाना चाहिए। अब इस टेंडर से दस्तबरदार हो रहे हैं। मुबारक हो दोस्त। हाकान, क्या हो गया तुम इतने गुस्से में, क्यों उठ के आ गए वहाँ से? रिलैक्स हो जाओ। क्या मतलब है कि क्या कर रहे थे? क्या डिटाई से जाके मुबारकबाद दूंगा उन्हें मैं? जरा सोचो तो, इस रकम से मुनाफा कमाना मुमकिन है क्या? अरे देखो तो हकान साहब खड़े हैं, मुबारकबाद नहीं देंगे क्या? अभी से इतने खुश मत हो जाओ दोस्तों, तुम्हारी पेश की गई रकम काफी ज्यादा है, उस प्रोजेक्ट के बोझ तले उठ नहीं पाओगे तुम, बाद में वो प्रोजेक्ट मेरे पास मत ले आना। तुम समझदार लड़की हो, अपने शौहर की बेवकूफियों को रोक सकती हो क्या प्लीज? क्या वाकई भाई? पहले हमने आके इस टेंडर के लिए एप्लीकेशन दी थी, आप लोगों ने बाद में जमा कराया, और वैसे भी आप और फरीद सांप की तरह हमारे रास्ते में हमेशा आ जाते हैं। अरे अरे, मैं आपको बताता चलूं, ये तो आपका वहम है, ये तो कोई हमसे पूछे कि आप लोग तो हर जगह शैतान की तरह नाजिल हो जाते हैं, गलत कहा क्या मैंने? मेरी बीवी से जबान संभाल कर बात करेंगे, चलो अब चलते हैं, कुछ ज्यादा हो गया है दहमत साहिबा के लिए। आखिर तुम सबकी प्रॉब्लम है क्या? खुद को हमेशा से सही और हर दफा दयानतदार समझते हैं, लेकिन जैसे नजर आते हैं वैसे हर किस नहीं, हकीकत यही है। अब चले, चलते हैं। ऐसा लग रहा है बहन जी को बुरा लग गया। ठीक है चलो। हाँ, चले। हाँ, चलो। मेरे ख्याल से हम सीधा अंदर ही चलते हैं। अरे नहीं आपा, नाम वगैरह लिखा होगा यकीनन, देखो तो जरा, सब पता है इस लड़की को, क्या बात है भाई। नाजली, बहुत इंतजार किया तुम्हारा। नहीं बस, हम अभी आए हैं, हमारी मुलाकात हो चुकी है वैसे तकरीब में, आपको याद होगा नाजली और मैं वेट्रेस थे वहाँ पर, मैं फतोश और आप मशहूर डैनिस हैं शायद। जी जी, असल में मैंने उसे मशहूर होने के लिए नहीं कहा। मिलके खुशी हुई। और मैं आसू। नाइस टू मीट यू। आसुमन, मेरी छोटी बहन। शो शुरू होने वाला है, अंदर चलें क्या? हाँ चलते हैं। वाओ डेनिस, ये तो वाकई बहुत प्यारी जगह है। लगता है पहली बार आए हैं आप। नाजली तुम? मैं भी, ये वाकई खूबसूरत है। खुशामदीद। शुक्रिया। वो अंदर जगह खाली है शायद, मैं देखता हूँ, वहीं बैठते हैं। ठीक है, तुम एंजॉय करो। मैं कह रही हूँ हाँ कर दो तुम। फतोश, मुझे इसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी नौकरी। कौन सी नौकरी की पेशकश? वो बात तो मेरे जहन से ही निकल गई थी, मैं यार ऊंचा कर दिया मैंने अपना, तुम बस अपनी उंगली में शादी की अंगूठी पहनो नाजली। बस करो फतोश, हर वक्त शादी शादी करती रहती हो तुम, बस चुप करो। और बाहर क्या कह रही थी? मशहूर डेनिस। कौन सा मशहूर डेनिस? कब हुआ मशहूर वो? मुझे नहीं पता। लड़की, हम तुम्हारी भलाई का सोच रहे हैं यहाँ पर, जहन बनाओ अपना, शादी करनी है तुम्हें
अगर उसने तुम्हें शादी की पेशकश नहीं की है तो तुम कर दो फौरन अभी। अच्छा ना, बस बस, हर कोई आपा के दरवाजे पे खड़ा इंतजार करे कि कब बारी आएगी उसकी। देखो मेरा दिमाग मत घुमाओ, बहुत बकवास कर ली। जिस लड़के को देखते हो उसके पीछे पड़ जाते हो। डेनिस मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त है। हाँ, ये तो बस पकड़ के ही बैठ गई है दोस्त दोस्त। मैं तो गई। क्या हुआ? एंगिन है वो। यार ये कहाँ से आ गया? शुक्रिया। लो जी दूसरा नमूना आ गया, इसी की कमी थी बस। एंगिन कौन है आपा? एक तो बहन थकती नहीं हो तुम एंगिन का पूछ पूछ के। बताया तो था जिसके साथ दरवाजे में फंस गई थी वो एंगिन है। ये बंदा क्या आपको फैशन हाउस का मालिक समझ रहे हैं? अरे नाज़ली, ये एंगिन क्यों आया यार यहाँ पर? ये हर वक्त साथ क्यों होते हैं? चलो पूछ के आते, वैसे भी तुम उससे बात करने के लिए मरी जा रही थी। चलो चल के पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, कर ली है मैंने बात। ऐसा करते हैं, बराती नहीं चलते हैं ना वहाँ पर। आसुमत तुम हंसो मत वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है, चुप हो गई मैं। यार नाज़ली हमें यहाँ से जाना होगा, अगर इस बंदे ने यहाँ देख लिया ना तो बहुत जलील हो जाऊंगी। अच्छा चलो चलते हैं। रुक जाओ फतोश, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए थे। फतोश रुको। वाकई में चली गई। ये लीजिए आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, फोटो किधर है? उनका फौरन जाना जरूरी था। फतोश को उसके रिश्तेदार हैं, बहुत ही करीबी, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उसे जाना पड़ा, बेचारी। अरे तुम तो कह रहे थे कि टेंडर मिलते ही आऊंगा, मगर तुमने तो चकमा दे दिया यार। वादा तो वादा है। मैं एंगिन। मैं नाज़ली हूँ। आपका नाम और आपका खाना बहुत सुना है। ऐसा है क्या? थैंक यू। ये मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है, ये आसुमान है, नाज़ली की बहन। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। ज्यादा मत पियो, बाद में तबीयत खराब हो जाएगी। दरअसल जूसेस मेरा मैदा खराब कर देते हैं। खुश आमदीद। Alışırsın, alışır.
पेरेंट्स? मेरा सलाम कहना आलिया को। शुक्रिया। अभी छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसा था? बहुत ही जबरदस्त, तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों के आने से बहुत एनर्जी मिली मुझे। आसुमान, मेरी छोटी बहन, नाइस टू मीट यू। मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा गाना, अब मैं अक्सर सुनने आया करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि आप अपना नंबर दे दें मुझे। ठीक है। फरीद क्यों चला गया? तुम्हें सलाम कह रहा था, मुझे तो उसके आने पे हैरत हो रही थी। इसका मतलब टेंडर मिल गया। आलिया मैम, तांजू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी वापस आती हूँ, कहीं मत जाना तुम लोग। किसी और चीज की जरूरत है क्या? ठीक है, माफ कीजिएगा। नाजली की बहन हो ना, बहुत मिलते हो दोनों। अब इतना भी नहीं मिलते हैं, हमारा मिजाज काफी अलग अलग है। रात को बाहर निकलने का शौक है क्या तुम्हें? मेरा मतलब था कि आप दोनों बहनों को, या घर में ही रहती हैं दोनों? आपा को घर में रहना पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है घूमना फिरना। मेरी ड्रिंक खत्म हो गई। इसके ऊपर एक सॉस जलता है, असल मजा तो उसका ही है, बाकी सब तो बेकार है। वाकई में इस वक्त कबाब की दुकान ढूंढना है मुझे, इस वक्त खुली हो बस। ओ, डिनर का प्रोग्राम बन रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओ, मेरा फोन तो साइलेंट पर रह गया था, फरीद ने कॉल की थी मुझे। हाँ मुझे भी की है, चेक करो जरा। माफ कीजिएगा, मुझे इजाजत चाहिए। हाँ जरूर। ठीक है ठीक है। सब ठीक है ना? यार पता नहीं, मुझे फौरन बुलाया है उसने, तुम्हें भी बुलाया है। जाना कहाँ पर है? मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या बोला उसने। अल्लाह अल्लाह, अगर फरीद इस वक्त बुला रहा है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कैसे अचानक। कोई मसला नहीं, अल्लाह करे सब खैर हो। उदास मत हो, इसकी तलाफी कर लेंगे।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शब बखैर। क्या हो गया आसुमान? अरे क्या हो गया, चलो यार अब चलते हैं, चलो मेरे साथ। अगर मेरी ड्रीम कार होती तो हम उसी में जाते। खैर हमारा बस स्टॉप उस तरफ है। यार ऐसे मत कहो आसुमान, कितना मजा आया हमें, खास तौर पे फरीद की उस अजीब कॉल के बाद तो और भी मजा आया। चले गए, हमारी सारी पार्टी खराब की और सारा प्लान भी खराब कर दिया। पता है उससे देखा नहीं गया कि हम एंजॉय कर रहे हैं तो कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। खैर जो भी हो जाए, इसने हर किसी की जिंदगी मुसीबत बना रखी है, मैं सच कह रही हूँ। फरीद क्या हुआ? सफर पर निकलने के एक घंटे के बाद हादसा हुआ। लेमान साहिबा का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है वो। बुलूद को चोटें आई हैं लेकिन उसकी हालत बेहतर है। ये भाई और जैनबाजी किधर हैं? मुझे बताओ तारिक। दमीर साहब और जैनब साहिबा को अफसोस से खो दिया हमने। क्या कैसे? हादसे वाली जगह पर गाड़ी के अंदर वो दोनों जान से हाथ धो बैठे। ये मुझे कोई मजाक लग रहा है तारिक, ऐसा मजाक मत करो यार। अभी कल ही मार डालूंगा, ऐसी बात क्या तो मार डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसी बात मत करना। डेनिस आराम से छोड़ दो उसे। बुलूद कहाँ है? बुलूद का सीट बेल्ट बंधा हुआ था लेकिन हॉस्पिटल आते हुए वो बेहोश था। डॉक्टर थोड़ी देर में बताएंगे, इंतजार कर रहे हैं हम। जी बच्चा अब खतरे से बाहर है। टकराने की वजह से बच्चा गाड़ी की सीट में दब गया था, सिर्फ टांगों पे चोट आई है। कैसी चोट है? परेशान मत हो, छोटी सी फिजिकल थेरेपी के बाद वो ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो, वो जल्द चलने फिरने लग जाएगा। आप यहीं वेट करें, बस थोड़ी देर बाद आप बच्चे से मिल सकते हैं। खुदा आपको हिम्मत दे। शुक्रिया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? डेनिस कैसे हो सकता है ये? डेनिस, डेनिस, डेनिस! यार आसुमान अभी तक लैपटॉप यूज कर रही हो, उठ जाओ अंधी हो जाओगी एक दिन। आपा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वक्त के साथ साथ मेरी माँ बनती जा रही हैं?
क्या आप मैं न्यूज़ भी नहीं पढ़ सकती? जाहिल रह जाए आपकी बहन। ना ही मुझे देखनी है, ना ही मुझे सुननी है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी फजूल की खबरों में। चलो भाई बातें खत्म करो, गर्म गर्म कॉफी तैयार है, जल्दी से पी लो। और हाँ, अब जब गीबत का माहौल बन ही गया है तो जरा मुझे ये बताओ कि एंगिन के साथ था कोई क्या वहाँ, मतलब कोई लड़की? क्या हम बता दें आसुमान? क्या फतोश, मैं नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि तुम्हें दुख होगा। था एक। कौन? फरीद असलान। यार नाजली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पता नहीं है मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। मैं उसके दोस्त का नहीं पूछ रही हूँ, मैं बाहर का पूछ रही हूँ। मतलब कि कोई लड़की वगैरह कोई ऐसा सीन तो नहीं था ना? फतोश तुमने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। नहीं था कोई, फरीद के जाने के बाद सब चले गए। बहुत अच्छी बात है, वैसे भी ऐसे रातों को बाहर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। हम तुम्हारा ये पूछने लगे थे, तुम तो उसको देख के छुपने के लिए जगह ढूंढती रहती हो। अरे फरीद है ना ये तो। कल के कॉन्सर्ट की खबर लगाई है क्या? अरे नहीं नहीं, ये खबर कॉन्सर्ट के बारे में नहीं है। आपा, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? बुलूत के अम्मी अब्बू हैं। दिमीर काया और उसकी बेगम जैनब असलान काया एक कार हादसे में जान बहक हो गए। गाड़ी में पाया गया बाकी का खानदान बुलूत और लिमान असलान बुरी तरह जख्मी। ताज़ियत कबूल कीजिए। डेनिस, अफसोस हुआ। शुक्रिया। बुलूत कैसा है? ठीक है, ठीक होने की कोशिश कर रहा है वो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं फौरन आ जाऊंगी। शुक्रिया। ताज़ियत कबूल करें। आपका शुक्रिया। ताज़ियत कबूल करें। शुक्रिया। ये करीबी रिश्तेदार हैं क्या? डैमिट साहिबा, मरहूम डैनवर साहब के भाई हैं ये डैनी साहब। जैनब साहिबा को तो तुम जानती ही हो, फरीद साहब की छोटी बहन। एक वक्त पे दोनों के वालिद ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। ये खाकान नामी आदमी भी उस वक्त कंपनी में मुलाजमत करता था। ज्यादा पसंदीदा बंदा नहीं है, वैसे भी इसे बाद में नौकरी से निकाल दिया गया था। डैमिट साहिबा ने जब खाकान साहब को शादी का कहा तो एक कयामत आ गई थी। इनके वालिद ने विरासत में से हिस्सा देकर इन्हें खानदान से निकाल दिया था। उन्होंने भी अपनी कंपनी खोल ली। उस दिन के बाद से इनका खानदान से कोई मेल मिलाप नहीं है। भाई, भाई जान, भाई जान, आखिर क्यों हुआ ऐसा? मैं ऐसे नाराज अलग होना था क्या?
बुलुत जान, 15 दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। खाना नहीं खाना मैंने। बस एक चमचा। मैं नहीं खाऊंगा। बुलुत जान, अगर खाना नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? नहीं होना मुझे ठीक। क्या मतलब ठीक नहीं होना? हाँ मेरे बच्चे, तुम ठीक नहीं होगे तो मामू और चाचू कितने दुखी हो जाएंगे। नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है। नर्स, अब कैसी तबीयत है उनकी? ये कुछ नहीं खा रहा। ठीक है, जबरदस्ती मत करें, भूख लगेगी तो खा लेगा, है ना बुलुत? नहीं आदिल, नहीं खाऊंगा। बुलुत देखो ये पुडिंग कितने मजे की है, और देखो इसमें चॉकलेट है, तुम्हारी पसंदीदा। नहीं खाऊंगा। अब तबीयत कैसी है उसकी? वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अब तक सिर्फ सीख रहा है वो, रोया बिल्कुल भी नहीं। मेरे रोने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या भाई? ये दुख जा ही नहीं रहा अंदर से। वो बेचारा बच्चा क्या करेगा? आप लोग उस बच्चे के साथ जितना ज्यादा हो उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर उसका दिल करे तो आप उसे बाहर घुमाने ले जाएं, और अब आप उसे घर भी ले जा सकते हैं। हाँ, भला घर में रहकर क्या करेगा वो, बताइए मुझे। घर तो क्या, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, किसके साथ रहा करेगा वो घर पर? डेनिस, उसे मेरे घर पे छोड़ दो, जब तक अम्मी की हालत बेहतर नहीं हो जाती उसे मेरे साथ रहने दो। ठीक बोल रहा है मेरे दोस्त, मेरा घर उसके लिए बेहतरीन है। माजरा चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि इस वक्त आपके ऊपर क्या गुजर रही है और उस बेचारे बच्चे पर भी। खुदा आपको सब्र दे। क्या सोच रही हो? बुलुत का ख्याल जहन से नहीं निकल रहा, छोटा सा बच्चा है, इतने बड़े दुख का मुकाबला कैसे करेगा वो, इस सदमे से कैसे निकल पाएगा? बहुत मुश्किल वक्त है सच में। खैर अच्छा है कि नानी हयात है उसकी अभी, और देखो मामू और चाचू भी हैं उसके। ऐसा किए बिना नहीं रह सकती मैं, जाके उससे मिलना चाहिए। वो बहुत मुश्किल में है फतोश, बहुत मुश्किल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुलुत का आया? वो कोने वाले रूम में। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बुलुत को देखने आई हैं क्या? जी हाँ, अभी सो रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो अभी जाग जाएगा। मैं उसे सिर्फ देखना चाहती हूँ। सो गया। इसको आखिरी बार इसकी पैदाइश में देखा था, अब इतना बड़ा हो गया। पांव पे खड़े होते देख लो तुम। डॉक्टर ने कोई और बात तो नहीं की ना? वो उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चलती हूँ अभी, बुलुत तो सो रहा है, बाद में आ जाऊंगी मैं। अल्लाह हाफिज। मुझे लग रहा है मेरा सर फट रहा है, बहुत तकलीफ है। ठीक है तुम जाओ, अम्मी और बुलुत को वैसे भी आज डिस्चार्ज कर देंगे, मिलते हैं फिर। डेनिस, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे और दैमिर के हवाले किया था,
अफसोस कि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहा, लेकिन मैं हूं। बलूत और तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें और बलूत को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा मेरे भाई। मैं खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूं। थोड़ी थोड़ी मदद की जरूरत है मेरे भाई। घर जाऊंगा तो बहुत जल्द समझ जाऊंगा। मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ होऊंगा। बस 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 ठीक है। इधर देखो, मुझे देख पाई हो क्या बुलत को? दूर से देखा, सो रहा था। जाहिर है दोबारा आऊंगी मिलने। आकार तुम खुद देखना कितना बड़ा हो गया है वो। मेरी जान भतीजा है वो तुम्हारा। जाहिर है उससे खूनी रिश्ता है उसका। वो दोबारा जरूर जाएगा उससे मिलने। दिमित देखो, मैं जानता हूँ कि मरने वाले के पीछे बातें नहीं की जाती, लेकिन मैरूम भाई और उस फरीद की वजह से इतने साल तुम देख नहीं सकी उस बच्चे को। अच्छा बस इधर आओ, चुप चुप, बस 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 बस, आ जाओ, चलते हैं, चलो। हेलो। हेलो मैम। बलूत का कमरा नंबर कौन सा है? मैं देख के बताता हूँ। 1302, वो कोने वाला। शुक्रिया। कोई बात नहीं। नहीं चाहिए, चल जाए वो, मत आए, कोई नहीं आए। ऐसे नहीं कहते, नर्स तुम्हारे लिए दवा लाई है। हाथ मत लगाए मुझे। अरे बुलत जान, तुमने हर तरफ गिरा दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं इसे बाद में आके पिलाती हूँ। बुलत मेरे बच्चे, पता है मुझे तुम नहीं पीना चाहते, लेकिन अगर तुम नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? चलो अच्छे बच्चों की तरह पी लो। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं पीनी दवाई। भाग जाऊंगा मैं इधर से, जब आप सब सो रहे होंगे भाग जाऊंगा। कहाँ भाग जाओगे तुम बेटा? हाँ कहाँ भाग जाओगे? मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाए। आराम से बेटा। नाज़ली कैसे हो बलूत? तुम्हारा हाल पूछने आई थी। अच्छा नहीं है, मुझे घर जाना है। मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे जबरदस्ती सिरप पिला रहे हैं। बुलत बस करो। मेरे ख्याल से तुम्हें चले जाना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? कुकीज है, तुम्हारे पसंदीदा, तुम्हारे लिए बनाई है। क्या तुम खाओगी? नहीं। नाज़ली, तुमने बलूत के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर उसे कोई फायदा होता है तो खुशी की बात है। फायदा हुआ है, और कैसे नहीं होता। कितने दिन हो गए तुम ही उसको पुरसुकून कर सकी हो। बस पहली बार तुम्हारे साथ मुस्कुराते देखा, और तो और पहली बार तुम्हारे ही सामने रोया है। प्यार करता है तुमसे। मैं भी उससे प्यार करती हूँ। डेनिस नजर नहीं आया मुझे। मत देखो, डेनिस जाहिर नहीं करता, लेकिन वो भी अब तक खुद को संभाल नहीं पाया है बिल्कुल। मौका मिलते ही घर भाग जाता है, ठहर नहीं पा रहा है। समझ गई, मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। शुक्रिया, शुक्रिया नाज़ली।
जी फरमाइए। डेनिस? नाज़ली? तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए कॉल की। कैसे हो? शुक्रिया यार। हाँ गुजारा हो रहा है, बस एक दो दिन में संभाल लूंगा खुद को। अच्छा आज कैसे हो? बिल्कुल ठीक तो नहीं हो नाज़ली। मैं आऊं क्या डेनिस? क्या तुम आ सकती हो? लेकिन नहीं नहीं मत आओ तुम, मेरा मतलब इन दिनों मत आओ तुम, मैं बुरे हाल में हूं। लेकिन तुम्हारी कॉल आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। काश मैं से ज्यादा कुछ कर सकती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नंबर बस वहां से गुजरती है? मुझे नहीं पता नाज़ली, मैं उस तरफ गई ही नहीं कभी। यार मैं आ गई। खैरियत है आपा? आप कहाँ जा रही हैं? डेनिस के लिए कुकीज बनाए हैं, बुलूत के चचा के लिए, उसे देने जा रही है। हाँ चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम्हारा क्या काम डेनिस के पास? अच्छा तो आपका वहाँ क्या काम है आपा? हाँ कोई खास बात हो तो वो अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या बात करनी होगी। बुलूत के कहने पे उसके चाचा के लिए कुकीज बनाए हैं मैंने, मैं बस ये दे के आती हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मैं आपके साथ चलती तो आपकी थोड़ी मदद ही हो जाती और दो फंकारों का घर ही देख लेती। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले खुदा हाफिज। फतोशा बाय बाय। आसमान बिना नाज़ली। सलाम, तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ। कुकीज? हाँ, हॉस्पिटल में बुलूत के लिए भी लेके गई थी, उसे बहुत अच्छी लगी, सोचा तुम्हें भी अच्छी लगेंगी। आसुमान भी ताज़ियत करना चाह रही थी मैं। शुक्रिया। आप लोग अंदर आइए ना प्लीज, आइए अंदर। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। कैसे बनाई हैं? चॉकलेट है, इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी। ओह चॉकलेट। आप लोग बैठिए, मैं कॉफी बनाता हूँ। चलो आओ मेरे प्यारे बेटे, हम दोनों कुछ देखते हैं। आराम से टेक लगा लो। थोड़ा ऊपर हो अब, ठीक है ना? आराम से। तुम ठीक हो ना बुलुत? रिमोट तक नहीं पहुंच पा रहा। ये लो। ठीक है इकबाल बीबी। फरीद आओ एक मिनट, मैं सामान कमरे में लेकर आता हूं, ठीक है? इकबाल बीबी ने कॉल की थी, कल सुबह नर्स आ रही है, फिजियोथेरेपी के अपॉइंटमेंट्स का भी इंतजाम कर लेगी। मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो कि कैसे होगा, लेकिन मैं भी तुम्हारा भाई हूं, ये मत भूलना। ये दिन भी गुजार लेंगे हम। शुक्रिया। मैं जरा बलूत को देख लूं, उसके बाद निकलता हूं मैं भी। ठीक है। आसुमान मत छेड़ो उन्हें। ये रही आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। जो जायका आपा के हाथ में है वो मेरे हाथ में नहीं है, बोर हो जाती हूँ कुकिंग से मैं। जानते हैं मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है, कभी मौका मिला तो सिखाएंगे। इसे सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे ख्याल से आपके कोर्स वगैरह करें। डेनिस क्या तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आते हैं? अपना सबसे पहला गिटार दिखाऊं क्या मैं? क्यों नहीं।
ये प्राइमरी के दौर में मुझे अब्बू ने दिलाया था। ये कहो ना अच्छी याददाश्त है। हाँ। हे, चलो बुलू उठो अब, आज के लिए इतना काफी है। टीवी बंद कर दूं अगर नहीं देख रहे तुम? देख तो रहा हूं। बुलुत, मैंने कहा था एंगिन भाई के जाने के बाद मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुनाऊंगा, तुमने भी कहा था ठीक है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, आइसक्रीम खाऊंगा मैं। इस वक्त तो आइसक्रीम नहीं मिल सकती, अभी तो सोने का वक्त है ये बुलुत। नहीं, मैं अभी खाना चाहता हूँ, दिल चाह रहा लेकिन है। अभी आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? जो भी चाहिए मैं तुम्हें सुबह ला दूंगा, ठीक है? नाजली होती तो बना लेती कुछ ना कुछ, कब आएगी वो? बुलुत, नाजली अब नहीं आएगी, उसकी जगह एक बेहतरीन कुक आएगा और तुम्हारे लिए एक मेड। तुम जो भी खाना चाहो वो तुम्हारे लिए बना देंगे, ठीक है? चलो अब मुंह ठीक करो अपना, चलो अब उठो, शाबाश, सोने का वक्त हो गया है। बहुत मजेदार बना है। शुक्र तुम्हें पसंद आए। अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई है। रुको ना थोड़ी देर और रुक जाती, ऐसे वक्त में मुझे अकेले रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। समझ सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा घर जाना जरूरी है, आसुमान को पढ़ाई भी करनी है, मैं फिर आ जाऊंगी, ठीक है ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आते रहेंगे। डेनिस, क्या तुम उस एनिमल शेल्टर चलना चाहोगे? पिंजरे की सफाई के लिए चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा वहां वक्त गुजारना अच्छा साबित होगा, और हो सकता है इस बार मेरी बात मान लो और कोई छोटा कुत्ता या बिल्ली अडॉप्ट कर लो अपने लिए। मेरा यकीन करो, इस घर में एनिमल होने से तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी खुद को नहीं संभाल पा रहा है ऐसे वक्त में, बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा, लेकिन वादा है आऊंगा जरूर। सही है नाजली, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होती है, प्लीज दोबारा आना, ठीक है? खुदा हाफिज। आप बात सुने, एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकती अगर आप, तो मेरा आप दोनों के लिए मशवरा है, आप दोनों इस प्रोफेशन को छोड़ दीजिए। मैं सालों से बच्चों को संभाल रही हूँ लेकिन ऐसा बच्चा नहीं देखा। मैं जानती हूँ इसके बाबा का इंतकाल हो गया, लेकिन मैंने गुजारा किया, लेकिन अब और नहीं। आप साथ काम करना भी चाहें तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, अब आप लोगों के पैसे आपको मिल जाएंगे, जाइए। बच्चा नहीं, अजाब है ये। हेलो नाजली, मैं डेनिस, तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। मैं ये जानता हूँ कि फरीद के साथ तुम्हारी नहीं बन पाई, मेरे पास मुश्किल नहीं होगी, तुम स्कूल के असाइनमेंट्स भी मेरे घर पर करोगी और मुझे खाना मिल जाएगा। आई एम सीरियस, मैसेज मिले तो कॉल करना। अस्सलाम वालेकुम, ये दे दो फतोश, यहाँ रहा तो खाते रहेंगे। आपा, मैं जा रही हूँ।
आसुमान मेरी जान प्लीज अपना फोन ऑन रखना, चार्जिंग खत्म हो गई, मैं नहीं सुनना चाहती, मैं आ जाऊंगी वहाँ। तुम्हारा स्कूल भी सही एक्टिविटीज करवाता है। पतोशापा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? स्कूल से 20 लोग जा रहे हैं मेरे साथ और टीचर्स भी साथ हैं हमारे, इंटर्नशिप की तरह कुछ है, टीचर्स हमें पढ़ाएंगे और हम 4 दिन में वापस आएंगे। अब जा रही हूँ मैं, बाय। क्या बात है, टूरिज्म भी बिल्कुल सही पढ़ाई है। देखिए सफर, खाना पीना रिहाइश सब उनकी तरफ से है, और जब वो सारा खर्चा उठा रहे हैं तो इस मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए। और यहाँ शायरा कह रही है पैसे दो मुझे। आसुमान अगर अम्मी को पता चल गया तो तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेंगी। अरे मेरी प्यारी आपा, आप दुनिया की सबसे प्यारी आपा हैं। और अम्मी आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है लेकिन आपका फोन बंद जा रहा है, तो प्लीज उनसे राब्ता कर लीजिएगा इससे पहले कि आपकी शामत आए। मेरा फोन बंद है और ये तुम अब बता रही हो मुझे? आप मुझे कहती है ना कि हमेशा अपना फोन खुला रखा करो, अब देखिए आपसे कोई राब्ता नहीं कर पा रहा। मेरी जान उसका फोन पुराना होने की वजह से बंद हो जाता है, पूरे दिन में 2 दफा जरूर कोमा में जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। एक बार जॉब हो जाए, पैसे कमाने लग जाऊं, फिर देखना, ऐसा फोन लूंगी देख के जल जाओगे तुम लोग। हाथ में पैसा आ ही गया था नाजी, लेकिन तुम्हें उसका सही इस्तेमाल ही नहीं आया यार। नहीं चाहिए उसका पैसा मुझे फतोश। चलो अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, ये लो फतोश अब एक प्यारी सी किस। चलो मेरी जान, अल्लाह हाफिज। सोच रही हूँ एंगिन को कॉल करूँ। यार कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लूंगी, एक दो बार मिल लेंगे, फिर उसका खून खौल उठेगा मुझसे मिलके। समझा दूंगी ना मामला कि मैं फैशन हाउस की मालिक नहीं हूँ बल्कि फैशन हाउस की मालिक बनना जरूर चाहती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो फतोश, वैसे भी उस वक्त तक वो तुमसे प्यार करने लगेगा, कहेगा फतोश से ज्यादा कीमती थोड़ी है, जाने दो, पैसा लगाएगा और खोल देगा फैशन हाउस। मशहूर हो जाओगी लड़की तुम, टीवी पे भी आने लगोगी, मशहूर फैशन डिजाइनर फतोश। अल्लाह पैसा ही पैसा होगा, तुम्हें भी एक रेस्टोरेंट खोल दूंगी, जापान अमेरिका सब जगह की शेफ, कैसा रहेगा? बहुत खूब भाई, आसुमान भी एक बेहतरीन मॉडल है फतोश, बहुत टैलेंटेड है, बस थोड़ा बोलती ही ज्यादा है। बहुत माजरत ख्वाह हूँ नाजली, हमारी ख्वाहिशें एक है लेकिन अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्लीज चाय दो फतोश। बहुत शुक्रिया। चीनी लेते हो ना सही तरह? नहीं तो चीनी छोड़ती है। हाँ बाजी आप। वैसे काफी मुश्किल हुई मुझे, 5 साल से इस्तेमाल नहीं की, कितना अरसा गुजर गया ना। जी हाँ अरसा हो गया। पहली बार आई हूँ यहाँ, अच्छी जगह है, बिल्कुल अपने हिसाब से डिजाइन की है, एक पुरलुत्फ आजाद रूह, फैन फॉलोइंग से भरपूर लेकिन अधूरापन। तुम भी कोई कम थोड़ी हो। ऐसा ही है। शक्कर के साथ और भी कुछ छोड़ दिया तुमने। दैनिक मजबूरी के तहत तर्ज जिंदगी बदलनी पड़ती है। हाँ यार बचपन में कुछ भी जब भाई से छुपाना होता तो तुम्हारे कमरे में रख दिया करता था मैं। दमीर वो तो जाता ही नहीं था तुम्हारे कमरे में, अगर चला भी जाता था तो चक्कर आ जाते थे। वैसे वो हमारे जैसा नहीं था। तुम्हें पता है बलूत भी हम पे गया है? अच्छा वो भी हमारी तरह गई है, भाई को वो बहुत ज्यादा तंग करता है लेकिन। ऐसा ही नहीं कह पाता था। अब नहीं रहा, मेरे दिल ने यह तस्लीम नहीं किया अभी। डेनिस मेरे प्यारे भाई, मेरी जान, मैं
हो ना यहाँ, हम एक दूसरे को संभालेंगे, ठीक है ना? हर बुरे वक्त में यहाँ। ओहो, अम्मी ने कितनी बार कॉल की है मुझे, जैसे आग लग गई हो। फतोष इधर आओ। क्या हुआ यार? यार आओ ना, सुनो। हेलो नाज़ली, मैं टेरेस। तुम्हारे लिए एक नौकरी की ऑफर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। जानता हूँ फरीद के साथ अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन मैं बुरा बंदा नहीं हूँ। स्कूल के असाइनमेंट्स भी मेरे घर पे कर लिया करना, मेरा भी पेट भर जाएगा। यार जबरदस्त। फतोष क्या बहुत हो, क्या जवाब दूं मैं इस लड़के को? बहुत अच्छा है यार नाज़ली, ये एक तो नौकरी मिल रही है घर बैठे, नई मोहब्बतों के दरवाजे भी खुल रहे हैं। फतोष मेरी जान, अभी जाके शादी ऑर्गेनाइज करते हैं, शादी के कपड़े देखते हैं। लड़की, ये लड़का ना तुम्हें बहुत पसंद करता है। अल्लाह अल्लाह, उसे देखो तो कैसे खिल जाता है तुम्हें देखकर यार वो। और अब तुम साथ काम करने लगोगी तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकोगे ना। देखो, अगर वो डायरेक्ट शादी का प्रपोजल भेज देता ना तो वक्त बच जाता हमारा। तो ऑफर कबूल कर लूं क्या मैं? फतोष, डेनिस मेरा दोस्त है, अच्छा लड़का है, लेकिन दोस्त है बस। बहुत देखे हैं मेरी जान मैंने ऐसे दोस्त। तुमसे तो बात करना फजूल है, जाओ जाके काम करो। हाँ ठीक है, नहीं मानो मेरी बात, सलाना फखरी तमगा पहनाएंगे तुम्हें। पता नहीं, मैं सोचूंगी। मैं भी कॉफी बनाने जा रही हूँ, उसके बाद तुम्हारा हॉरोस्कोप देखूंगी। काफी अरसे से कंपोजिशन नहीं कर पा रहा मैं। आलिया के साथ भी नहीं बनती मेरी बिल्कुल, वो भी पिछले दिनों मैक्सिको गई थी। मैगजीन में तुम्हें कई मरतबा एक लड़की के साथ दिखा था, आलिया थी वो। बासलायत करोड़पति की मोहब्बत है या नहीं? वो मामला खत्म है, अब हम दोस्त हैं। अच्छा, अब एक नई लड़की है। हाँ, और वो कौन है? ये तो बस अभी की बात है, इस बार मैं जल्दी नहीं करना चाहता। क्या मतलब? क्या अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं? नहीं यार, यकीन है। मैं चाहता हूँ वो भी यकीन कर ले इस बात पर, नहीं चाहता कि वो जल्दी करे, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में काम कितना खराब होता है ये तुम जानती हो। सही कहा, हर किसी का मामला अलग होता है। ऐसा ही है, तुम जल्दबाजी कर रही थी और फरीद सुस्ती दिखा रहा था और तुम दोनों शादी से पीछे हट गए। और कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? शुक्रिया। सोचो कि डेनिस तुम्हें शादी की पेशकश कर दे। फतोष, खिड़की से छलांग लगा लूंगी मैं, अभी तक उधर ही अटकी हो तुम। अब तसव्वुर करना भी गुनाह है क्या? ला ला, बस सोचो जरा, डेनिस अगर शादी के लिए तुम्हें प्रपोज कर दे तो तुम्हारा वाला क्या कहेगा? कौन है मेरा वाला? ना समझने का नाटक नहीं करो नाज़ली, तुम्हें पता है क्या कह रही हूँ, फरीद की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है फतोष, मतलब वो मेरा नहीं है, फजूल बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। दरार दरार, पक्का दरार पड़ेगी। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? दोबारा काम पे आने की रिक्वेस्ट करने आया हूँ। दोबारा मेरे साथ काम करोगी? बुलुत को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मना मत करना। तुम ये चाहते हो कि मैं दोबारा आ जाऊं? हाँ। अगर सच कहूं तो? नाज़ली, बुलुत। बुलुत, मुझे नीचे उतारो ना, मुझे नीचे उतारो ना। आराम से पाँव रखो, ठीक है?
अरे बाबा छोड़िए मुझे, तुम भी छोड़ दो। देखो नाजली मैं आ गया। खुश आमदीद, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या ये आपका घर है? हाँ ये मेरा घर है। देखो ये मेरी दोस्त फतोश। हेलो फतोश आपा। हाय मेरे प्यारे बुलूत, तुम्हें मैं अपना घर दिखाऊं, आओगे अंदर? बिल्कुल, लेकिन आप मुझे नाजली का रूम भी दिखाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, तुम यहाँ इंतजार करो, फिर हम टूर के लिए जाएंगे, उसके लिए मैं बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आऊँ, ठीक है ना? कौन सी गाड़ी लाई है? सरप्राइज है। टाटा। ओह चलो कसके पकड़ो, नाजली और फतोश के घर की सैर होने जा रही है। हाँ बिल्कुल, मेरा और फरीद का शादी का रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन हम कम से कम दोस्त तो रह सकते थे ना। फरीद ने ऐसा नहीं किया, लेकिन देखो तो मेरी बहन हो, लेकिन फरीद की बात से इत्तेफाक करता हूँ, यही कहोगे ना? हकान के साथ तुम्हारा रिश्ता इतनी जल्दी परवान चढ़ा के हम सबने उसे एक रद्दे अमल समझा। क्यों, क्या दैमित फरीद के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती? देखो हकान को शैतानी नजरों से ही देखा तुम लोगों ने, बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? यार डेनिस, क्या ये तुम लोगों की गलतफहमी नहीं हो सकती? बताओ जरा। मैं कॉफी पीऊंगा, तुम पियोगी मेरे साथ? आओ दोनों अपनी कॉफी बनाते हैं और अब माजी को भुला दो। जैसा मैंने बताया, बुलेट हादसे के बाद बिल्कुल ही बदल गया है। चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे जिद करके बैठ जाता है। बुलेट बहुत बड़े हादसे से गुजरा है। हाँ इसीलिए मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी जरूरत है। बुलेट तुमको चाहता है, तुम पे भरोसा करता है। तुम मान लोगी तो बुलेट खुश हो जाएगा। मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो परेशान हो मैं कभी नहीं चाहूंगी, लेकिन आपने मेरे साथ जो भी किया वो सोचती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता वापस आने को। नाजली ये एक प्रोफेशनल जॉब की रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रोफेशनल नहीं हो सकती तो। मैं इससे पहले अपने कामों में काफी प्रोफेशनल थी फरीद साहब, मुझे लगता है कि आपको प्रोफेशनल होने का मतलब नहीं पता शायद। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ, बुलेट को मदद की जरूरत है और मुझे भी, पुरानी बातें भूल नहीं सकती। भूल सकती हूँ, आगे मेरी ऑफर पर गौर करो, तुम आओगी या नहीं आओगी? बेशक हमें तुम्हारी जरूरत तो है, लेकिन तुम्हें फोर्स नहीं करूं, सोच के बता देना। ठीक है कबूल करती हूँ। डेनिस, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोजाना बुलुत से मिला करूं। अच्छा, यानी बुलुत मुझे पहचाने, उसकी पुप्पो के तौर पर उसके साथ रहना चाहती हूँ। भाई के साथ तो मौका ही नहीं मिल सका है जिंदगी को गुजारने का, अब एहसास है इस बात का। देखो ना आज भाई हम में नहीं, चाहकर भी उनको वापस नहीं ला सकते। फरीद से बात करूंगा मैं। क्या फरीद से तुम बात करोगे? डेनिस क्या मुझे अपने भतीजे से मिलने के लिए फरीद की इजाजत की जरूरत है? नहीं मेरा मतलब, जैसे कि तुम इस वक्त मेरी राय ले रही हो, बुलू तभी उसके पास है, समझी तुम? फरीद की वजह से मैंने अपनी फैमिली को खोया है, तुम भाई हो मेरे, फरीद के नहीं। मेरे भतीजे को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अभी माजी की बातों को खंगालना मुनासिब नहीं होगा, कौन सही है कौन गलत है ये बातें किसी काम की नहीं है। बुलूत एक नए सदमे से गुजर रहा है, वो अचानक अपनी फूफी को देख रहा है जिसे उसने कभी नहीं देखा, ये ठीक नहीं होगा। सबर करो प्लीज। ठीक है सब बातें तो कर ली हमने, लेकिन कुछ दिनों तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। रात में आपके साथ तुम्हारा अपना एक रूम होगा। बुलुत अभी भी रात में डर जाता है और मैं काम की वजह से रात में देर से आता हूँ,
शायद तुम उसको अच्छी तरह सुला सकती हो, और हो सकता है तुम्हारे साथ होने से वो अकेला महसूस ना करे खुद को। ठीक है, मैं रह लूंगी, कोई मसला नहीं। जब नई नर्स आ जाएगी तो बेशक तुम रात में चली जाना। ठीक है। ठीक है फिर। ठीक है फिर। मामू आइए ना, मैं आपको नाज़ली को कुछ दिखाता हूँ। चलो बहुत देर हो गई है बुलेट, अब हम अपने घर चलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। मामू प्लीज थोड़ी देर रुकते हैं ना। बुलेट अब सबको परेशान मत करो। नाज़ली परेशान नहीं होगी, नाराज तो नहीं होगी ना नाज़ली? आइए। मामू देखिए नाज़ली की लकी बिल्ली है। काफी अच्छी है। मैं नाज़ली की साफ सफाई को एक दफा फिर सराहता हूँ, रूम ऐसे नहीं फैला होता। मामू आपको पता है नाज़ली जापनीज पढ़ सकती है। वो क्या लिखा है नाज़ली? ये जापनीज ज़बान में कहावत है, कहते हैं कि किस्मत खाने के आखिरी लुक्मे में है। खाने के आखिरी लुक्मे में? जापानी लोगों का कहना है कि किस्मत कब और कहाँ खुल जाए कुछ पता नहीं। चलो बुलुत अब बहुत वक्त हो गया, अब अपने घर चलना चाहिए। मामू थोड़ी देर और रुक जाना, इतनी जल्दी घर ना चले। बुलुत बुलुत तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे मिलने कल आऊंगी, ठीक है ना? सच में आएंगी? आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप हमारे साथ रहेंगी क्या? हाँ सच में, बहुत खूब। आ हक्कान साहब, आपको पता है बलूत की आपकी वाइफ के साथ रिश्तेदारी है। फैमिली के तौर पर बलूत की तहवील लेने के लिए मिस डेमिथ को दावा करना पड़ेगा। अच्छी बात है, दावा डेमिथ ही करेगी, आप परेशान ना हो। आप पेपर्स तैयार करें, काफी है इस वक्त। ये मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, डेमिथ और मैं, बलूत के सरपरस्त होने पर क्या हो सकता है, दोबारा बता सकते हो? बलूत के मरहूम माँ बाप देमीर साहब और मिस जैनब, पुसूला होल्डिंग में हर एक का 24% हिस्सा है। ओ। इसका मतलब ये हुआ पुसूला होल्डिंग में बलूत 48% हिस्से का हकदार होगा। मैं जानता हूँ वकील, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा क्या, सिर्फ इसको बार बार सुनना मुझे अच्छा लगता है, जानते हो। चलिए फिर आप जरूर कागजात तैयार करें, एक दस्तखत का काम रहेगा। ठीक है। ठीक है। फरीद, मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से अपने काबू में कर लिया है, बहुत बुरी तरह। वो कंपनी तुम्हारे नाम नहीं होने दूंगा, पीछे मुड़कर देखे बिना भागोगे, पीछे मुड़कर। बिखिर कहिए हकान साहब, ये फरीद की जरा जांच पड़ताल करते हैं, ये कंपनी में और काम के अलावा क्या करते हैं जाकर देखो, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, जिंदगी में कोई और लड़की है कि नहीं, यानी अदालत में उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई और सबूत है कि नहीं, उसको देखते हैं, समझ गए? जी ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया। चलो चलो चलो, ठीक है। नाज़ली अगर इस वक्त फोन करोगी तो नहीं उठाएगा। हेलो
हेलो आसुमान, मेरी प्यारी बहन क्या कह रही है? क्या मतलब इस वक्त फोन किया? तुम्हें इतनी नींद आ रही है कि मुझसे बात नहीं कर सकती? ये कैसी इंटर्नशिप कर रही हो, समझ नहीं आ रहा। अरे आपा, कल रात से बहुत पढ़ाई की है, बहुत थक गई हूँ मैं। शुक्र है कि हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने हमें सुबह की छुट्टी दे दी है ताकि हम आराम कर सके। आसुमान, कहीं और जाके बात करो ना यार। अरे आपा, रूममेट भी डिस्टर्ब हो रही है आवाज से मेरी, मैं कल आकर आपको सब कुछ बता दूंगी तफसील से। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली। कल बात कर लेंगे, सारी बातें मैं बता दूंगी आपको। अभी सर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कल बात करूंगी। अल्लाह हाफिज़। आसुमान, हेलो आसु, रख दी। पैसे की जरूरत ना हो तो लंबी बात नहीं करते, जानती हो तुम, क्रेडिट बचाने के लिए। हाँ डेनिस को फोन करती हूँ, अम्मी की कॉल आ गई है। जी अम्मी जान। उनका फोन आ ही गया। गुड मॉर्निंग। ठीक है अम्मी जान, मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा काम है अभी। आपको बहुत सारा प्यार, अब्बू को मेरा सलाम। मुझे जल्दी निकलना है और कॉलेज में भी फोन करना है, आज प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती मैं। हेलो, हाँ मैटिन, मैं नहीं आ पाऊंगी आज, तुम संभाल लो। तुम्हारा फोन तो हर वक्त बिजी रहता है नाजली यार। रुखसत होने का वक्त आ गया है मेरी प्यारी दोस्त। अरे बस इतना सामान है क्या तुम्हारा? क्या हो गया फतोश, ये तो 2-3 दिन का सामान है, और जरूरत पड़ी तो बता दूंगी। तुम उस बेवकूफ शहजादे के किले में जा रही हो, ये बात समझो, तुम अब बदले का टाइम है, जरूरत के हिसाब से स्टाइलिश होना पड़ता है नाजली, ये बारूद का बॉक्स काफी थोड़ी है। बेवकूफ मत बनो, जंग वगैरह खत्म, उसका जख्म बहुत गहरा है, चलो पुरानी बातें भुला देते हैं। क्या फरीद को दोबारा देखकर कहीं तुमने अपना दिमाग तो नहीं बदल लिया? अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दो। फतोश मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा कुछ नहीं, वो बदल गया है। मेरी जाने की वजह पता है ना, मैं बलूद की वजह से जा रही हूँ वहाँ। हाँ हाँ ठीक है, जो भी होगा वक्त पर देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है बस करो फतोश, बस करो, मैं जा रही हूँ। नाजली सुबह से फोन पर बात खत्म ना होने की वजह से तुम्हें नहीं दिखा सकी, ये देखो जरा। आज तुमसे दोपहर के खाने पर डोनर कबाब हादसे के लिए दोबारा माफी मांगना चाहता हूँ। कल तुमसे बात करने के बाद मैंने एंगिन को सोचा मैसेज कर दूं, मैंने मैसेज कर दिया, उसका जवाब भी आ गया, फिर हमने थोड़ी सी बात की और सुबह उसका ये मैसेज आया। बहुत खूब हुआ झूठी फतोश, बाद में एंगिन को सब झूठ बताओगी क्या? हाँ मैं पूरी हिम्मत जमा करके उन्हें बताऊंगी कि मेरे पास अवार्ड के कपड़े तो है लेकिन अवार्ड नहीं है, और मेरे पास फैशन हाउस की मालकिन बनने की सलाहियत तो बहुत है लेकिन मेरे पास फैशन हाउस नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें सब बता दूंगी। ठीक है बहुत अच्छे। हाँ ये मत भूलना, हाँ एक बात बतानी थी कि जब दूसरे के घर पर रुकते हैं तो तकिए के नीचे चाबी जरूर रखते हैं। ठीक है फतोश, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ लेकिन मैं उस घर में पहली बार नहीं जा रही हूँ। हाँ मगर वो माना नहीं जाएगा ना, ये पहली मर्तबा है, बस ये समझ लो तुम। ठीक है ना नाजली, वादा करो कि तुम यही करोगी। ठीक है ना, तुम्हारी नहीं मानूंगी क्या मैं, मेरी प्यारी दोस्त। ओके बाय बाय। बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ मैं। डेनिस मैसेज मिल गया था मेरा? हाँ लेकिन बाद में देखने की वजह से जवाब नहीं दे पाई। मैं नहीं चाहता कि हमारी शेफ रास्ते में हलाक हो जाए। जनाब हमारे पास पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी है, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया था। हाँ सारी बातें ठीक हैं लेकिन तनख्वाह की बात रह गई थी, जो कि हम अभी कर लेंगे, क्या कहती हैं आप? डेनिस कल फरीद और बुलूद घर आए थे मेरे काम की पेशकश लेकर। यार बुलूद के बारे में तुम्हें पता है, उसके साथ किसी का होना जरूरी है। लगता है तुमने कबूल कर लिया। हाँ बुलूद को कैसे मना कर दूं? मैंने सुबह बताने के लिए तुम्हें फोन भी किया लेकिन तुमने पिक नहीं किया। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, बुलूद को भी मदद की बहुत जरूरत है, उम्मीद है उसके लिए अच्छा होगा। तुम यकीनन उसका ख्याल रखोगी, आओ तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बुलूद को इंतजार मत करवाइए।
ला मुझे दो। थैंक यू। हेलो नाज़ली, खुश आमदीद। शुक्रिया, मुझे खुशी हुई तुम आ गई। ना कहने की कोई वजह भी नहीं थी वैसे। अरे भाई साहब, हम भी आए हैं, हमें भी तो पूछ लीजिए। तुम्हें भी खुश आमदीद। शुक्रिया। रास्ते में नाज़ली से मुलाकात हो गई। मैंने कहा अच्छा मौका है, बलूत से भी मिल लूंगा। मामू, नाज़ली आ गई है क्या? हाँ बलूत, नाज़ली आ गई है। कैसे हो बेटा? नाज़ली, नीचे खाली रूम तुम्हारा है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मिसेस इकबाल को कह देना, ठीक है? बुलुत को रोजाना फिजियोथेरेपी की जरूरत है और हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ परेशान करे, पर मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा। बुलुत को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए तुम्हारे साथ एक ड्राइवर होगा, ठीक है ना? परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। गुड। इलाज के लिए घर से बाहर जाना बुलुत के लिए बहुत जरूरी है। पहली बार देख रहे हो क्या? वो लाल वाली गाड़ी आखिर में क्या करेगी पता है? मत बताएं। बुलुत, नाज़ली तुम आ गई। कैसे हो मेरे बच्चे, ठीक हो ना? ठीक हूँ। अरे नाज़ली को देखकर कैसे इसकी जान में जान आ गई, देखा? नाज़ली तुम मेरे रूम में रह सकती हो, वहाँ एक आरामदेह कुर्सी और बेड भी है, और हाँ तुम चाहो तो मेरे बेड पे मेरे साथ भी सो सकती हो। नाज़ली का अपना रूम होगा बुलुत। भूख लगी है तुम्हें? तुम्हारे लिए अच्छा सा ऑमलेट बनाती हूँ। हाँ बनाए। साथ में जैम और ब्रेड। ओ ताली दो। मेरे लिए भी नाश्ता बना दो, मैं और बुलुत दोनों साथ खा लेंगे। चलो चलते हैं। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो डेनिस? मैं तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, क्या तुम ऐसे कंपनी चलाओगे मेरे साथ? अरे भाई, मेरे इस हाल को देखो और अपने चेहरे को देखो जरा। मैं इस हाल में कभी ऑफिस नहीं जा सकता, और ऑफिस के लिए ये मुनासिब गेटअप है भी नहीं। तुम्हें वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे तुम सूट में जाओ या ऐसे। डेनिस, तुमसे कुछ जरूरी मसाइल पर बात करनी है, ना खुशगवार बातें लेकिन ज़ैनब और दमीर के बारे में, और करने के लिए कुछ है भी नहीं। और जंग शुरू हो चुकी थी, दोनों ही बहुत ताकतवर थे, रोबोट और नाज़ली। हम जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। मुझे एक बाइट तो दे दो। ये चमकीली तलवारों की जंग थी। आओ आओ, शर्माओ मत। मिसेस इकबाल, मिस्टर एंगिन को बुलाएंगी प्लीज? वो मीटिंग रूम में है मिस्टर फरीद। ठीक है एंगिन, देखो कौन तशरीफ लाया है। ओह सरद, देखो तो सही कौन आया है। कैसे हो? ठीक हूँ, बैठो। क्या हाल चाल है? बस यार, गुजारे लायक है। ब्लूत कैसा है? ठीक है, नाज़ली ने आज से काम पे आना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सही है, लेमान खाला के ठीक होने तक नाज़ली उसके साथ रहेगी। हमें सरपरस्ती वाले मामले पर बात करने की जरूरत है, वकील इंतजार कर रहा है। ब्लूत का कानूनी सरपरस्त कौन होगा, यानी कंपनी के हिस्सेदारी में? मेरे भाई फरीद, अब तुम्हारे कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। भाई साफ बात है, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम मेरे भी सरपरस्त बन जाओ। वकील से पूछता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। कोई ना कोई रास्ता होगा यार। बुलुत के रूम में चला जाऊंगा, मेरे पास वो खुल बंद होने वाला सोफा भी रखा हुआ है। नाज़ली हमें भी देख लेगी, आराम से खाओ पियो सो। वाह वाह, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लगेगा, फिर घर चले जाएंगे। नाज़ली मुझे घर नहीं जाना। अरे मेरे शहजादे, सुबह घर से निकल नहीं रहा था और अब घर नहीं जाना इसे। नाज़ली मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा, हम चाचू के घर पे चलते हैं ना, वो भी सुबह जल्दी चले गए, खेला भी नहीं।
नाज़ली प्लीज ना, प्लीज 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 नाज़ली चलो ना। ठीक है, पहले तुम्हारे चाचा को फोन करते हैं फिर जाएंगे। ये काम इस महीने के आखिर तक हमें सॉल्व करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से भी। भाई लोगों, मैं ऑलरेडी काम करके बहुत थक चुका हूँ, मैं निकलूंगा। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना। जल्दी आऊंगा, फिर मिलते हैं। तुम लोग आराम से काम करो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर बॉस, आज दोपहर के खाने का क्या प्रोग्राम है? पता नहीं। अच्छा फिर काम खत्म करते हैं, मेरी एक जगह जरूरी मुलाकात है। बोलो नाज़ली। हेलो डेनिस, कैसे हो? हम बलूत के साथ तुम्हारे यहाँ आना चाहते थे, अगर तुम फ्री हो तो हम आ जाएं। मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है फिर, अभी हम फिजिकल थेरेपी के लिए जा रहे हैं, वापसी में आते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ बोलो डेनिस। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बलूत मेरे पास आ रहा है, चाहो तो चक्कर लगाओ, तुम्हारी उससे पहली मुलाकात मेरे ही घर में हो जाए। हाँ हाँ मैं आऊंगी, क्यों नहीं। ओके गुड बाय। रुको रुको, चेहरे पर फूल खिल रहे हैं, क्या बात है। सोचो क्या हुआ। क्या हुआ? मैं आज बुलुत से मिलने जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ी खबर है मेरी जान, मिलो, वो भी तुम्हारा भतीजा है, मिल लो उससे, वो भी तुमसे मिल ले ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह से जान ले। दैमित एक बात कहूँ तुमसे, देखो कल बच्चे का सरप्राइज बनने के लिए अर्जी दाखिल करेंगे, लेकिन हम मजबूत दावेदार होंगे। हाँ सही कह रहे हो। अब मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है ठीक है। हेलो मिस्टर एंगिन, सलाम। सिर्फ एंगिन भी कह सकती हो। अच्छा ठीक है एंगिन। खैर मैं निकल चुका हूँ, बताने के लिए फोन किया था मैंने, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ, अपना एड्रेस बता सकती हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मतलब है कि वो कपड़े देखने बाहर निकली हूँ ना मैं, तो इसलिए कारखाने में हूँ, सोच रही हूँ ड्राइवर के साथ आ जाओ अगर आप कहें तो। ठीक है मैं लोकेशन भेज देता हूँ, वहीं पहुँच जाना। ठीक है मिलते हैं। अरे क्या बात है भाई, मुंह देखो अपना, ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं किसी को देगा ही नहीं कभी, फोन पे बात करते हुए पता नहीं कहां कहां से आ जाता है यहां पर भी।